एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मैं आपके न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आपको हमने पिछले ब्लॉग में बरसाने के दर्शन कराए थे, राधा रानी के दर्शन कराए थे, इतने अच्छे दर्शन हुए और अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और ब्लॉग को बिल्कुल स्किप ना करें, आगे आपको दर्शन कराएंगे, जारी रहे, आगे चल रहे हैं हम। भैया अम्मा जी के दर्शन कर लीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। मथुरा में आ गए हैं और अब यहाँ पे और देखिए हमने आते ही यहाँ गन्ने का जूस दिखाई दिया, मशीन दिखाई दी हमको और बिल्कुल ही ताज़े ताज़े गन्ने थे। हमने सोचा कि चलो जूस पीते हैं। और देखिए आप ये मशीन भी देखिए, बहुत लोगों ने देखा भी नहीं होगा कि गन्ने का जूस कैसे निकाला जाता है। और ये मशीन चल पड़ी है, इनको मतलब आप कहीं भी चला के खड़ा कर सकते हो। और ये गाँव के ही किसी कोने में खड़ी हुई थी तो बहुत ही ताज़े ताज़े देखो पुदीना के पत्ते, नीम और ये गन्ने का जूस ये निकाल रहे हैं। और हमने अपनी गाड़ी को रोक लिया था और फिर गन्ने का जूस ताज़ा ताज़ा बनवाया और पिया। अरे ऐसा तो शहर में मिलता भी नहीं है गन्ने का जूस। और ये बता रहा किसके मुंह में पानी आया सुन के मुझे तो बहुत यमी यमी लगा, बिल्कुल ताजे ताजे गन्ने और नेचुरल। और यमी यमी लग रहा है एकदम टेस्टी टेस्टी से गन्ने का जूस नेचुरल एकदम गाँव का। बच्चे को देखिए, बच्चा भी पी रहा है। देखो क्या थी पी रही है, कैसा लग रहा है? अरे देखिए अब हम चल रहे हैं वृंदावन की ओर। और हमने अब वृंदावन में प्रवेश कर लिया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और इतना आनंदमय लग रहा था, मन पुलकित पुलकित हो गया वृंदावन को देखकर, दिल झूम उठा, दिल नाच उठा। और देखिए वैष्णो माता का साक्षात्कार दर्शन कर लीजिए, कितनी विशाल मूर्ति है, कितनी सुंदर लग रही है। और मैंने गाड़ी में से ही इसको कैप्चर कर लिया था, कितनी प्यारी लग रही है। बोलो साचे दरबार की शेरावाली माता की। और देखिए राधा रानी की माता श्री का मंदिर कीर्ति मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, कलाकृति बहुत ही अच्छी है। और इसमें राधा रानी की जो 8 सखियां हैं उनकी भी मूर्ति विराजमान है। उनका नाम है ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रा सखी, सुदेवी सखी, चंपक कला सखी, इंदुलेखा सखी, रंगदेवी सखी, अटुंग विद्या सखी। लेकिन हमें इतना समय नहीं था कि हम इसको देख पाए, हम तो बांके बिहारी मंदिर देखने के लिए जा रहे हैं और आपको वहां को दिखाएंगे बांके बिहारी का मंदिर। और बहुत समय हो गया था तो हमने सोचा कि पहले हम लंच ही कर लेते हैं, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर का मंदिर 5:30 बजे खुलता है तो बहुत समय था बीच में। तो हमने फिर लंच ले लिया, मैंने कहा बाद में बांके बिहारी का दर्शन करेंगे। और आप हाँ बोलो। हाय गाइस, देखो हम होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हुए हैं, दोपहर का टाइम हो गया है क्योंकि बांके बिहारी की जो दर्शन हैं वो बाद में हो पाएंगे, इसलिए हम लंच का कर रहे हैं। लंच लेंगे उसके बाद में हम बांके बिहारी का दर्शन करेंगे। लंच का समय हो गया है, देखिए सब वेट कर रहे हैं खाने के लिए, खाना आने वाला है। और आपको दिखाएंगे हम खाने में हमने क्या लिया है, सिंपल ही लिया है क्योंकि बाहर जाके सिंपल खाओ वो ज़्यादा। हमने नूडल्स मंगा लिए क्योंकि नूडल्स बच्चों को भी बहुत पसंद है, मेरे को भी बहुत पसंद है, थोड़ा स्नैक्स में नूडल्स हो जाते हैं तो हमने नूडल्स मंगा लिए। और बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राई मंगा ली क्योंकि बच्चों को फ्रेंच फ्राई बहुत पसंद है कोल्ड ड्रिंक के साथ। ये कोल्ड ड्रिंक तो हमने मंगा ली, सब्जी ली हमने, अच्छा तो लगता ही है। देखो मैं वैसे ज़्यादा मैं पीती नहीं हूँ कोल्ड ड्रिंक, लेकिन बाहर जाके तो मैं पी लेती हूँ। और देखिए नूडल्स यमी यमी
लिख रहे हैं। और इस होटल में ना मुझे मतलब बहुत अच्छे यूटेंसिल्स लग रहे थे, बर्तन बहुत अच्छे लग रहे थे, देखिए जरा छोटी सी कढ़ाई मतलब बहुत अच्छी मतलब इस तरह से इन्होंने सजा के दिया हुआ था। और प्लेट भी और ये बच्चों का था रेस्टोरेंट, आप कभी जाए तो आप भी यहाँ मतलब आप लंच डिनर ले सकते हैं। और फिर हमने ये बिरयानी भी मंगाई थी और बिरयानी भी खाई। और फिर हमने और देखियो सब लोग खाना खा रहे हैं। और खाने के बाद में हमने लिमका भी मंगवाई बहुत अच्छी और देखिए जरा इन बंदरों को वृंदावन में तो बंदरों ने बहुत ही आतंक फैला रखा है। ये लगा लो कि आप चश्मा भी नहीं लगा सकते, कोई मतलब पोलोथीन हाथ में नहीं ले सकते हो, वो तुरंत छीन के लेके जाते हैं बार बार कुछ ना कुछ। जैसे हाथ में से जब पिछली बार हम गए थे तो हम इनका ही चश्मा लेके चला गया था बंदर। और फिर आपको फ्रूटी देनी पड़ती है तब आपको मतलब वो चश्मा लौटा के दे गए देंगे, मतलब बंदरों का ये है। और आगे जाके फिर हमने ये आप बताना इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं काला खट्टा, और हमने काला खट्टा बनवाया बहुत अच्छा लगा। इसका बनाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैंने इसका शॉर्ट भी डाला था, लोगों को बहुत अच्छा लगा। बन गया ना तो ये खाने के लिए तैयार है काला खट्टा। किसके मुंह में पानी आया बताना जरा। और देखो ये मार्केट लगा हुआ है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत मेहनत करी है, बंदरों का भी आतंक था और देखो थके हुए भी थे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप देखें किसी की मेहनत को भी, मोबाइल बाहर निकाल के बनाना, बंदरों से डर लग रहा था क्योंकि वे छीन के ना ले जाएं। और देखो फिर हम यहाँ आ गए हैं, प्रसाद ले रहे हैं मंदिर के बाहर ही, प्रसाद हमने ले लिया लेकिन समय बहुत था तो हम मतलब पहले काफ़ी बैठे भी रहे, काफ़ी देर हमने इंतज़ार किया। किसी शॉप पे बैठे हुए हैं क्योंकि अब दर्शन जो होंगे वो बाद में होंगे, अभी अब थक चुके हैं, अब दर्शन होंगे। जरे थक गए हैं, और देखना भैया ये हमने यहाँ से लिए प्रसाद लिया है, हाँ शर्मा डेरी। और देखिए हम लाइन में खड़े हो गए, लाइन क्या भीड़ इतनी थी, आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद मंदिर के अंदर चले जाएंगे कि भीड़ अपने आप आपको ये जो सैलाब है ना ये लेके चला जाएगा। और दर्शन कीजिए, फूल बंगला सजा हुआ है, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और ये देखिए ये राधा रानी और कृष्ण का मिला जुला रूप है। और ये फूल बंगला सजाया गया है और ये 5 साल के लिए भी रहता है, किसी को भी फूल बंगला कोई सजा नहीं सकता है। और ये बार बार पर्दा करना पड़ता है क्योंकि बांके बिहारी है ही हमारे ऐसे कि ये किसी के जिस देखेंगे श्रद्धालु के साथ भक्तों के साथ चल देते हैं, इसलिए बार बार पर्दा लगाया जाता है क्योंकि ये इतने बहुत ही ज़्यादा प्रेम से भरपूर है, ये किसी के प्रेम को स्वीकारते हैं। और अब देखिए ये है राधा वल्लभ का मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, और आप इसके भी दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। और देखो आरती हो रही है और आरती का आनंद लीजिए सब लोग आप, कितनी सुंदर छवि लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं भी अब इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं, आप भी आनंद लीजिए। और दर्शन करके हम वापसी आ गए हैं तो फिर हमें भूख लगी आई और हम वृंदावन जाएं और टिक्की ना खाएं और लस्सी ना पिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम टिक्की खा रहे हैं, आप
हम थक गए हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं। अब मुझे टिक्की खा रही है। कैसी लगी टिक्की? पर ये लस्सी आ गई है हमारे लिए, और हम लस्सी पिएंगे। और देखना ये लस्सी आ गई है हमारे लिए और हम ये लस्सी पिएंगे। देखना जरा यमी यमी मलाईदार। और हमने जो टिक्की खाई थी गब्बर सिंह कचौड़ी के खाई थी, बड़ी यम्मी लगी थी, बड़ी टेस्टी लगी थी। आप जाएं तो ज़रूर खाएं। और देखो कितनी सारी टिक्कियां लगी हैं। और जो मेरे बाहर के फॉलोअर्स हैं उनको बहुत ही हमारे इंडियन फूड बहुत पसंद है, वो देख के यम्मी यम्मी कहते हैं। और हम वापसी को चल दिए हैं, और क्योंकि बहुत थक चुके थे। और आप इसी तरह से मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहें, और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।